जैनवी के 8th एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है गार्जियंस ऑफ गडोल्किंस। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है इंदिरा शेट्टी के मौत से, जहां पे मैरी बार बार बोल रही होती है कि तुमने उसे मार दिया। जॉर्डन ली बोल रहा था कि क्यों मारा। एमा भी बोल रही होती है, तब केट कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए मारा है और तुम लोगों को बचाने के लिए, ये हम सबको मारना चाहती थी, तो ये एक नंबर की कमी नहीं थी। तब ये सब बोलते हैं, हाँ हमें पता है पर मारना नहीं था ना इसको। लेकिन अब होता यह है, केट बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम लोग यहां से चले जाओ। एंड फिर होता यह है, सैम बोलता है कि बिल्कुल सही किया मारा तो। लेकिन एमा बोलती है कि ये क्या बोल रहे हो सैम, तुमने ये इसको मार चुकी है और हम कुछ कर भी नहीं पाए। अब दिखाया जाता है यहाँ पे आंद्रे को। आंद्रे अपने फादर को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है। अभी डॉक्टर आता है और कहता है तुम्हारे फादर जो पावर यूज कर रहे थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी और तुम्हारे अंदर भी वही पावर है, तो हो सकता है तुम्हारे को भी कुछ बीमारियां हो, तो तुम अपना टेस्ट करवा लो। तब आंद्रे कहता है ये सब बातें बाद में, पहले पापा पे ध्यान देते हैं। एंड फिर होता यह है, आंद्रे अपने फादर के पास जाता है एंड कहता है कि हमारी पावर्स बहुत ज्यादा जानलेवा है। लेकिन उसके पापा कहते हैं देखो अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी और तुम्हें अब जो सही लगे वो करो, अपनी दिल की सुनो। इधर दिखाया जाता है एशली को। एशली जो है सारे मेंबर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग बिठाती है कि द सेवन में किसको चुनना चाहिए, आंद्रे या फिर मैरी को। एंड फिर ये लोग सोचते हैं कि जिसकी रैंकिंग ज्यादा होगी उसे ही हम चुनेंगे। अब होता ये है, यहाँ पे दिखाया जाता है केट और सैम को। कैट और सैम वुड्स में आ जाते हैं एंड फिर वो लोग सारे जो हीरोज है उनको आजाद कर देते हैं जिनको बंद करके रखा गया था। और केट सबको हिप्नोटाइज कर देती है और कहती है कि जो भी इंसान दिखे सबको मार दो, लेकिन सुपर हीरोज को मत मारना। एंड फिर होता यह है, केट वहां से सबको बाहर निकाल देती है। यहाँ पे सारे सुपर हीरोज जो हैं वो बाहर आ जाते हैं एंड लोगों को मारने लग जाते हैं बुरी तरह। एंड फिर होता यह है, जेफ जो है जा रहा होता है, तभी एक सुपर हीरो उसको घेर लेती है एंड जेफ एक रेडियो मीटर चला देता है जिससे सूप्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। एंड फिर वो उसके मुंह में बम डाल देता है एंड उसको फाड़ देता है। तभी जेफ जो है वो बाहर आ रहा होता है एंड केट उसे पकड़ लेती है और हिप्नोटाइज कर देती है। एंड फिर उससे वो मीटर छीन लेती है और कहती है कि चलो अब लाइव आने का वक्त आ गया। इधर एशली को पता ही नहीं हो रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी उसकी पीए के पास एक फोन आता है एंड फिर दिखाया जाता है कि सारे जो सुपर हीरोज है वो निकल चुके हैं, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एंड फिर जब लाइव में जेफ को दिखाया जाता है, तब एशली देखती है कि जेफ अपने आप को ही फाड़ चुका है एंड उसका सर जो है फट जाता है। इधर दिखाया जाता है एक थिएटर में सारे जो हीरोज है वो ऑडिशन दे रहे होते हैं। तभी वहां पे सैम आ जाता है एंड वो मारने लग जाता है एक बंदे को। एंड फिर वहां पे एमा आ जाती है, एमा आके सैम को रोक देती है। सैम थोड़ी देर के लिए रुक जाता है एंड फिर वो उसको समझाने लग जाती है कि देखो तुम हमारे साइड आ जाओ और तुम ऐसे ही लोगों की जान नहीं ले सकते। लेकिन सैम सुनता नहीं है एंड वो एमा को झाड़ देता है। एंड फिर होता यह है वो वहां से चला जाता है एमा को डांट के। एमा रो रही होती है एंड रोते रोते वो छोटी हो जाती है। अब एमा को पता नहीं चलता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि मैं तो उल्टी करने से छोटी हो रही थी। इधर दिखाया जाता है आंद्रे को। आंद्रे के पास फोन आता है केट का एंड केट बताती है कि तुम मेरे साइड आ जाओ क्योंकि मैंने सारे सुपर हीरोज को आजाद कर दिया है। इधर दिखाया जाता है लूक। अब लूक जो है वो सैम को समझा रहा होता है कि भाई मान जा, देख तू ऐसे ही किसी की जान नहीं ले सकता और तू हमारे साइड आ जा। लेकिन वो सुन नहीं रहा होता, वो कहता है कि लूक तू मेरे मन की ही बात है ना और मुझे खुद से नफरत है, तो तू यहां से चला जा। एंड फिर केट कहती है कि सैम क्या आप मेरी मदद चाहिए तुमको, और सैम बोलता है हाँ। फिर सैम जो है केट से मदद ले लेता है, केट जो है उसको हिप्नोटाइज कर देती है। एंड इधर दिखाया जाता है मैरी को। मैरी जो है वो भाग के जाती है इंदिरा शेट्टी के घर में और उसके टेबल के नीचे एक सायरन होता है उसे बजा देती है, जिससे जो कैंपस के सारे डोर्स हैं वो लॉक हो जाते हैं एंड जो स्टूडेंट्स अपने रूम में है वो भी लॉक हो जाते हैं एंड उस बटन के बिना वो रूम बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब दिखाया जाता है एशली को। एशली जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है क्योंकि वो लोग भी ह्यूमंस थे और अब सारे सुपर हीरोज उन्हें भी मार देते। तब वो कहती है कि होमलैंडर का पता लगाओ और एक हेलीकॉप्टर बुलवाओ। एंड फिर वो सारे सुपर हीरोज के नंबर निकालने लग जाती है और मैरी को फोन लगा के कहती है कि देखो मैरी तुम्हें 10-7 में जगह मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें सारे सुपर हीरोज को मारना पड़ेगा। तुम ये जो बेकाबू सूप्स घूम रहे हैं इन सबको मारो तो मैं पक्का तुम्हें 7 में एंट्री दिलाऊंगी और तुम्हारी बहन से मिलवा दूंगी। अब मैरी जो है वो भाग के जाती है केट के पास एंड उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केट जो है वो समझती नहीं है। तभी वहां पे हेलीकॉप्टर आ रहा होता है एंड केट जो है एक आदमी को हिप्नोटाइज कर देती है जिससे वो जो हेलीकॉप्टर है वो तोड़ देता है। एंड वहीं आंद्रे आ जाता है एंड उस हेलीकॉप्टर को नीचे जमीन पे उतार देता है, जिस वजह से आंद्रे और मैरी मिलकर केट को समझाते हैं, लेकिन केट जो है बिल्कुल भी समझती नहीं है। अब होता यह है मार्विक नाम का बंदा जो है वो मैरी को मारने आता है एंड फिर मैरी को गुस्सा आ जाता है। वो चाकू जैसे ही निकालती है वो उसको मार ही नहीं पाती क्योंकि मार्विक जो है वो गायब रहता है। वो अपना टोपी चश्मा उतार देता है एंड फिर बहुत मार रहा होता है मैरी को।
तब मेरी को गुस्सा आता है और उसे न्यूमन की बात याद आती है। वो चाकू हटाती है और फोकस करती है, जिससे एक ही बार में मार्विक जो है वो मर जाता है। अब दिखाया जाता है जॉर्डन को, जॉर्डन बचा लेता है एशली को क्योंकि उन पे एक सुपर हीरो का वार होता है एंड वो कहता है कि जाके उस हेलीकॉप्टर में बैठो, वही एक सेफ जगह है। आंद्रे केट के पीछे भाग रहा होता है लेकिन केट समझते नहीं है एंड फिर वहां पे सैम आ जाता है। सैम और आंद्रे जो है वो लड़ने लग जाते हैं क्योंकि सैम धड़ाधड़ आंद्रे को मार रहा होता है एंड फिर कैसे भी करके आंद्रे उससे निपट लेता है क्योंकि सैम में बहुत ज्यादा ताकत है। अब दिखाया जाता है केट को, केट जो है वो वापस से सामने आ जाती है मैरी के और मैरी समझाने की कोशिश करती है, देखो इंदिरा शेट्टी ने जो किया हम सब जानते हैं लेकिन अब तुम प्लीज नॉर्मल हो जाओ और हमारे साइड जाओ, लेकिन केट नहीं मानती है। एंड फिर दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर की तरफ एक सुपर हीरो भाग रहा होता है एंड तभी यहां पे मैरी को गुस्सा आता है एंड वो सॉरी पावर इकट्ठे करके बुलेट्स बनाती है ब्लड के एंड सीधा मार देती है एक सूप को। एंड फिर होता यह है यहां पे दिखाया जाता है जॉर्डन ली को, जॉर्डन ली जो है वो भी दो सूप से निपट जाता है एंड मैरी और जॉर्डन ली एक दूसरे को देखने लग जाते हैं एंड फिर वो कहते हैं कि हम कितने कूल है ना, हम दोनों बहुत अच्छे सुपर हीरोज हैं। एंड तभी वहां पे केट दिखाई देती है, वो जॉर्डन ली को छूने आती है एंड फिर यहां पे होता यह है मैरी जो है अपना हाथ आगे बढ़ाती है जिससे सीधा हाथ फट जाता है केट का एंड केट रोने लग जाती है। तभी वहां पे एंट्री हो जाती है सुपर हीरो होमलैंडर की और होमलैंडर की एंट्री होते ही बवाल मच जाता है, आई एम सॉरी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी रहमी नहीं बरती है और पूरा तहलका मचा दिया है। अब होमलैंडर बोलता है कि चुप हो जाओ मैरी, चुप हो जाओ, और तुम कैसे इंसान हो, अपने ही सुपर हीरोज भाइयों को मार रही हो। एंड तभी होमलैंडर को गुस्सा आता है एंड वो एक लेजर बीम चलाता है एंड सीधा वार कर देता है मैरी पे। अब दिखाया जाता है न्यूज आती है एंड फिर सारा इल्जाम एमा, मैरी, आंद्रे और जॉर्डन ली पे डाल दिया जाता है कि इन लोगों ने सारे सुपर हीरोज को मारना चाहा और होमलैंडर ने आके बचाया और साथ साथ जो गुडोल्किंस के रखवाले थे उन्होंने भी बचाया और गुडोल्किंस के रखवालों को बना दिया जाता है सैम और केट को। एंड फिर सैम और केट जो हैं अब फ्यूचर में द सेवन में शामिल हो जाएंगे एंड इधर होमलैंडर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है क्योंकि होमलैंडर भी एक नंबर का कमीना इंसान है। एंड फिर दिखाया जाता है आंद्रे, मैरी, एमा और जॉर्डन ली को, ये मरे नहीं होते हैं लेकिन इनको एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहां पे एक भी दरवाजा नहीं है जिससे ये लोग निकल ना सके। एंड फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन 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 भाई एक ट्विस्ट दे देता हूं, अब बुचर जो है हमारे वो आ जाते हैं उसी सेल में एंड फिर देखते हैं कि यहां पे कोई सूप पड़ा हुआ है क्या जिससे मैं एंटीटोड बना सकता हूं क्योंकि उन्हें भी तो होमलैंडर को मारना है। एंड फिर वो कहते हैं कि अब आएगा मजा एंड फिर ये जो एपिसोड है फाइनली खत्म हो जाता है। अब अगले सीजन में क्या होगा या फिर द बॉयज के सीजन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं मेरे ही चैनल पे क्योंकि मैंने द बॉयज का सीजन 4 किया हुआ है फुल एक्सप्लेनेशन। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।